अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हम सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है अल्काइन या इथाइन को आप केमिकल टेस्ट के जरिए डिस्टिंग्विश करके बताएं अल्कीन या इथीन से। तो आइए हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अगर पेपर में कहा जाए अल्काइन का कोई भी मेंबर दिया हुआ हो और इसी तरीके से अल्कीन का कोई भी मेंबर दिया हुआ, कहा जाए कि इन दोनों के दरमियान केमिकल टेस्ट के जरिए हमें डिफरेंशिएट करके बताना है, या हमारे पास इथाइन स्पेसिफिकली दिया हुआ हो और इथीन स्पेसिफिकली दिया हुआ, कहा जाए कि केमिकल टेस्ट के जरिए इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करके बताना है। तो आइए सबसे पहला लैब टेस्ट नंबर 1 जो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हेन इथाइन इज हीटेड विद AgNO3 इन अमोनिया व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटालाइड इज फॉर्म्ड। जब इथाइन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ हीट अप किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो व्हाइट कलर का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है सिल्वर एसिटालाइड की, जिसे व्हाइट सॉलिड के नाम से भी हमें कोर्स में कहा गया है, पेपर में आता है कि व्हाइट सॉलिड बनाकर बताएं तो भी हमें ये रिएक्शन लिखना होता है। तो इथाइन है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है अमोनिया की मौजूदगी में, तो हमारे पास बनता है सिल्वर एसिटालाइड जो कि व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट होती है। जबकि इथीन को, इथीन डज नॉट शो पॉजिटिव रिएक्शन विद AgNO3 इन अमोनिया। अमोनिया की मौजूदगी में इथीन को जब हम AgNO3 के साथ हीट अप करते हैं तो इथीन कोई व्हाइट सॉलिड नहीं बनाता। तो इस केमिकल टेस्ट के जरिए हम डिफरेंशिएट कर जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड इथाइन है और कौन सा कंपाउंड इथीन है। इथीन रिएक्ट नहीं करेगा, इथाइन जो होगा वो व्हाइट सॉलिड बना देगा और वो रिएक्ट करेगा। दूसरा लैब टेस्ट हमारे पास है, When ethyne is heated with cuprous chloride in ammonia, copper acetylide red solid is formed. जब ethyne को अमोनिया की मौजूदगी में कॉपर क्लोराइड के साथ हम उसे हीट अप करते हैं तो उस वक्त हमारे पास रेड कलर का सॉलिड बनता है जो कि कॉपर एसिटालाइड का होता है। जैसा कि इक्वेशन हमारे पास सामने है, इथाइन जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है अमोनिया की मौजूदगी में, तो हमारे पास बनता है कॉपर एसिटालाइड या डाई कॉपर एसिटालाइड भी कह सकते हैं और HCl बन रहा है। ये कॉपर एसिटालाइड जो है ये रेड कलर का जो है ये सॉलिड होता है, जबकि इथीन, इथीन डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। इथीन जो होता है वो कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस केमिकल टेस्ट के जरिए हम डिफरेंशिएट कर जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो अल्काइन से बिलोंग कर रहा है और कौन सा कंपाउंड अल्कीन से बिलोंग कर रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो की शक्ल में अपलोड करें, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। ऑलरेडी वो स्टूडेंट जो सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से लेक्चर देखना चाहते हैं तो सिंह बोर्ड टीचिंग की प्ले लिस्ट पर जाना मत भूलिएगा। ऑलरेडी हम 400 से ज्यादा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।